मेरे को एस टी मतलब जो भी होता है वह बरात हंडल ला के मंदिरों में मुझे उन तक हो तो बदतमीजी को करें टेट पर्सन मैडम मौके पे हैं ये पार्षद मौके पे हैं कितनी बदतमीजी से बात करी हमने। देश अब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना नगर परिषद कार्यालय से सामने आ रही है, जहां पर आज हाउस की मीटिंग का आयोजन किया गया था, जहां पर पार्षदों द्वारा काफ़ी मुद्दों पर गर्मा गर्मी भी होती हुई नजर आई। बता दें कि गोहाना नगर परिषद की आज हाउस की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें गोहाना नगर परिषद के 23 वार्ड के पार्षद यहाँ पर पहुँचे थे, जहाँ पर सबसे पहले जो है गोहाना नगर परिषद वार्ड नंबर 1 के पार्षद नानाराम के भतीजे की आकस्मिक निधन पर जो है पहले शोक प्रस्ताव पास किया गया, जहाँ पर 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया। उसके बाद जो है वहाँ पर बंदरों को लेकर आवारा पशुओं को लेकर जो है जमकर जो है हंगामा देखने को मिला। और बता दें कि गोहाना नगर परिषद के चेयरपर्सन रजनी इंद्रजीत विरमानी ने कहा कि जो भी मुद्दे हैं वो सबकी सहमति से पास किए जाएंगे, और उन्होंने इस समय पर जो है काफ़ी गर्मा गर्मी भी होती हुई नजर आई। हम जो हाउस की जो बैठक है काफ़ी जो है गर्म नजर आई, क्योंकि पार्षदों के द्वारा आवारा पशु और बंदरों की जो बात थी उनको लेकर काफ़ी परेशान जो है पार्षद थे, क्योंकि आने जाने लोगों को जो है काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार जो है जो आवारा पशु हैं वो लोगों को चोट भी पहुंचा देते हैं, उसी की आवाज़ जो है पार्षदों के द्वारा उठाई गई थी, और जमकर हंगामा जो है आज हाउस की बैठक में देखने को मिला, जहां पर महिलाएं भी जो है वहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने भी जो है सवाल या निशान जो है इस बैठक पर उठाए गए। और देख सकते हैं जहां पर बैठक के दौरान जो है जो पार्षद हैं वो अपनी बातें उठाते हुए नजर आए। और आप बता दें कि वार्ड नंबर 9 से पार्षद मुकेश देवगन ने भी आवारा पशुओं की बात को उठाया गया, और उन्होंने कहा कि जो सुबह का जो समय होता है, जब स्कूल का समय होता है, तो वहाँ पर जो खाकड़ हैं आवारा पशु हैं वो लोगों की जान पर बनाती है। कई बार जो है बड़े बड़े हादसे जो है वहाँ पर हो चुके हैं, लेकिन जो है कोई भी इसको संभालने वाला नहीं है। जहाँ पर बताया गया कि जो रोहतक रोड पर नंदीशाला है वहाँ पर जो है इन आवारा पशुओं को भेजा जाता है, लेकिन वहाँ पार्षदों ने कहा कि वहाँ पर जब चेयरपर्सन जाती है और पार्षद वहाँ जाते हैं तो उनके साथ भी बदसलूकी से बातचीत जो की जाती है, और इसी बात को लेकर जो है कई बार जो है हाउस की बैठक में हंगामा भी देखने को मिला। आपसे अपील रहेगी कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति तक ये तस्वीरें पहुँचे कि गोहाना की हाउस की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। मेरे को एस टी मतलब जो भी होता है वह बरात हंडल ला के मंदिरों में। प्रवीण मैडम पूछो कितने पकड़ लिए, वो हमने 1000 मंदिरों का कराया था। बड़े बड़े सांड खड़े रहते हैं, 4-5 हादसे हो चुके हैं वहाँ पे। इस चीज को तो करो समस्या का समाधान, बहुत बुरा हाल है वहाँ पे, और बड़े बड़े सांड खड़े रहते हैं जी, 3-4 हादसे हो चुके हैं जी वहाँ पे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अब क्या है, अब जैसे अब मैंने एक दिन अखबार में पढ़ी थी, जो अपने राधा स्वामी वाले हैं सांसद नाम वाले, वो कह रहे हैं हम अडॉप्ट करेंगे इनको, उनकी बात चल रही है, अगर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया तो ये शायद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो ये स्कूल में ना बच्चे जो छोड़ने जाते हैं ना, उनको पेरेंट्स को भी इतना डर लगा रहता है, कभी हमारे को चोट लग जाए। नहीं जी, ये तो सारी अगर हम बहुत बुरा भी लेंगे ना, फिर इनकी खाने की दिक्कत आती है। तो ये तो चलो हमने पकड़ भी लिए, तो उनको रख के उनके पकड़ने वाली कोई दिक्कत नहीं, ये पार्षद मौके पे हैं कितनी बदतमीजी से बात करी हमने। रात को एक सांड एक्सीडेंट कौन संभाला, वो डले पेर गए और बेचे हैं, संभालता हो तो को देख लो जाके। हेलो मेरी सारे वार्ड की गलियों में आधी आधी गली घेर रखी है,
आधी आधी गली घास नहीं लगती घास आधी आधी मैडम जी और कितनी बार मैं देख चुका हूँ इनने कटवाई भी है तो फिर उस स्प्रे करवा देते हैं। एक काम करो आप मैम आज सर मीटिंग बुलाई थी माननीय सीएम साहब के पास हम अपने मुद्दों को लेकर पहुंचे और उन्होंने हमारे मुद्दों को पास किया कि हमें एग्री किया इस चीज के लिए कि जो चेक की पावर ली गई थी हमारा मुद्दा वो था। हमने इस काम के लिए बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। उन्होंने एक फाइनेंस कमेटी बनाई और एक पेमेंट अकाउंट कमेटी बनाई। ये फाइनेंस कमेटी में टेंडर लगाया जाएगा और पेमेंट अकाउंट कमेटी में जो पेमेंट के लिए एक कमेटी बनाई गई उसमें 5 मेंबर ऐड किए जाएंगे, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक जिस वार्ड में काम कराया जाएगा उस वार्ड का मेंबर और एक हाउस से चुना जाएगा और नगर पालिका नगर परिषद में जहाँ ईओ सेक्रेटरी है उसमें से एक जना जाएगा। आज सभी पार्षद यहाँ इकट्ठा हुए कि एक मेंबर की सभी पार्षदों ने सम्मति से कहा कि हम अध्यक्ष के ऊपर छोड़ते हैं किसी मेंबर को। हमारा पशुओं को लेकर नगर परिषद बहुत पिछले टर्म से लेकर अब तक काम कर रही है, पशुओं को पकड़ा भी जा रहा है लेकिन इतनी ज्यादा संख्या में पशु बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को भी अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। मैं देख रही हूँ कि लोगों के लिए बहुत मतलब समझ कि बहुत खतरा बन रहा है। अभी अभी मुकेश देवगन जी ने भी बताया कि मुगलपुरा में भी खड़े रहते हैं। हेलो ये सोच लो कि इतने पशु पकड़ने के बाद भी संख्या अभी कम नहीं हो रही लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमें और भी ज्यादा जगह मिले। हम रोहतक रोड पर जो गौशाला बनी हुई है वहाँ इनको पकड़कर यहाँ से लेकर वहाँ इकट्ठा किया जा रहा है। हम सोचते हैं कि हमें और भी इससे और उचित जगह मिले और इन्हें पकड़। गौशाला में इनके साथ मैंने विजिट किया था, मैंने आंखों से देखा उस चीज को। कुछ पशु बिल्कुल ऐसे सूखे पड़े थे जिनको चारा नहीं डाला जा रहा था, उनको स्ट्रिक्टली बिल्कुल आदेश दिए गए और उन्हें मैंने बहुत अच्छे से बोला कि आज के बाद कंप्लेन नहीं आनी चाहिए लेकिन अब सब ठीक चल रहा है। बंदरों की बात करें तो बंदर भी जो है पकड़ने में नहीं आ रहे हैं। बंदरों की समस्या भी बहुत बढ़ रही है, वन विभाग वालों ने इनको पकड़ना शुरू कर दिया है। ये नहीं कहते कि शमशान रोड के रोड से लेकर और जहाँ रोहतक रोड पर ये नंदीशाला बनी उसके पास भी इन्होंने 25 बंदरों को पकड़ा है। टोटल 54 या 58 बंदरों की संख्या थी जो मैं खुद देख के आई हूँ अपनी आंखों से जो जाल में पकड़े हुए थे। ये 12 दिन में इन्होंने 54 बंदरों को पकड़ा था। देखो आप ये सोचो ना कि इसी जानवर को पकड़ना कोई आसान बात नहीं है लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर ये लोग काम कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसे जल्द से निजात दिला सके। जिस तरह से पावर आपको मिली है 50 लाख क्या लगता है किस तरह से गोहाना का विकास बिल्कुल होगा गोहाना का विकास क्योंकि नगर परिषद हर चीज से उचित कदम उठा रही है और सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है इस तरह की कमेटी बनाई जाए 5 मेंबरों के लिए क्योंकि जिस वार्ड के मेंबर को लिया जाएगा वो भी सेटिस्फाइड रहेगा। उन्हें पता भी होना चाहिए कि वार्ड में क्या काम हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है ठीक हो रहा है तो उसके लिए वो अपना कदम उठा सकेंगे और अपनी बात रख सकेंगे।